शादी किया था ना, रुके थे साहब। हां तेरे को क्या काम है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप क्लास 12 लेसन नंबर 3 आज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आप मैनेज योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को आप किस प्रकार कम करें, इस लेसन में यही आपको बताया जाएगा। स्ट्रेथिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पहले मेंटल माने मानसिक तौर पे आपको स्ट्रेंथिंग ताकतवर बनना है, और इसके साथ साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर एक लचीलापन आना चाहिए। हम शुरू करते हैं। माइंड इमोशन एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। इसमें बताया गया है कि दिमाग, इमोशन यानी भावनाएं और हमारा शरीर, ये सब क्लोजली इंटरलिंक, एकदम एक दूसरे से क्लोजली मतलब जुड़े हुए हैं, एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर और साथ साथ काम करते हैं। इट हेल्प योर डिस यू यूज देम मोर क्लियरली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। अगर आप इसको बारीकी से गौर करेंगे तो अस्पष्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी अलग अलग इन सब की बातें, इन सब का मीन्स। योर मेंटल कैपेसिटी आर योर एबिलिटी, आपकी जो मानसिक क्षमता है, आपकी योग्यता टू कंसंट्रेट, वो एक एकाग्र होता है, टू टेक ए न्यू इन्फॉर्मेशन, जो एक नई सूचना को जन्म देता है, एक नई दिशा में ले जाता है, टू रिमेम्बर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टू बी इन द पोजिशन थिंक लॉजिकली, चाहे नई सूचनाएं हो चाहे पुरानी हो, एक नई सोच के ऊपर आप तर्क वितर्क करके सोच सकते हो। यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी, टू वर्क, टू इम्प्रेस द कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर ऑन योर लाइफ। आपको जरूरत है, आपका जो मानसिक क्षमता है, आपको जो पढ़ने का या काम करने का जो तरीका है, आप वर्केबल ऑर्डर टू योर लाइफ, आप अपने जीवन में इसको ला सकते हो, एंड टू मेक रेशनल डे टू डे डिसीजन, और दिन प्रतिदिन एक नया निर्णय लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क, अगर आप पसंद है वॉकिंग करना, टेकिंग ए कार, कार को लेना, द फैक्ट डैट इट वॉज रेनिंग हार्ड एंड यू हैड टू कोल्ड कूड लीड यू द डिसीजन डैट वॉज द बेटर टू टेक ए कार। आपको उस निर्णय पर जाना पड़ेगा जो आप उस निर्णय के तहत आप लीड कर सकते हो, कार को लेना, डैट यू बी द रेशनल डिसीजन, या एक अनुपातिक निर्णय होगा बेस्ड ऑन द करेंट सरकमस्टेंसेस, उस विषय वस्तु पर, उस पहलू पर। द माइंड इज द रेशनल लॉजिक पार्ट ऑफ योर डैट, दिमाग हमारा एक अनुपातिक तर्क वितर्क का एक हिस्सा है, जो हेल्प यू टू मेक अन इमोशनल च्वाइस, जो हमारा इमोशनल विहीन पसंदीदा पर निर्भर करता है, टू स्टोर एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, स्टोर करके पुनः उन सूचनाओं को देता है, एंड टू ऑर्डर ऑफ कैलकुलेट, जो हम गणित या गणना करते हैं। इट इज द काउंट पार्ट ऑफ द इमोशन, यह एक हिस्सा है हमारी भावनाओं का। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरैक्शन, एक अच्छा निर्णय है अपने इंटरैक्शन का, बिटवीन माइंड एंड इमोशन इज एग्जाम नर्वस, हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं, ऐसी स्थिति आती है जब हम परीक्षा भवन में नर्वस होते हैं। योर मेंटल कैपेसिटी हैज हेल्प योर रिटेन, तुम्हारी जो मानसिक क्षमता है हमको रिटेन करता है, व्हाट यू हैव रिवाइज, आपने याद क्या किया, यू नो योर स्टफ बट व्हेन यू इंटर द एग्जाम, लेकिन जब जैसे ही आप एग्जाम यानी परीक्षा भवन में पहुंचते हैं, एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, आपके दिमाग के ऊपर आपकी भावनाएं जो है क्या करते हैं, गेटिंग होती हैं, भावी पड़ जाती हैं, एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टीज एंड इमेजिनेशन फेलियर, आप उस कठिनाइयों से जूझते रहते हो, आप इमेजिनेशन फेलियर, आपकी जो भावनाएं होती हैं, दिमाग असफल होता है,
ऑल द सडन, अचानक तभी होता है द केयरफुल स्टोरेज इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, जो आपकी सूचनाएं केयरफुल स्टोरेज है आप लंबे समय तक वो अवेलेबल नहीं रहती। योर इमोशन है बैरेट द वे टू योर इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर, आपकी जो भावनाएं हैं, आपको जो इनर इन्फॉर्मेशन में आपने जो स्टोर किया है, जो याद किया है, उस पर भावी हो जाती हैं और प्रतिबंध लगा देती हैं। डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, कि आप पाओगे इन निम्नलिखित तरीकों को अपना करके। यू फाइंड ए डिफिकल्ट कंसंट्रेट ऑन योर थीम, परिस्थिति ये आती है आप अपनी एकाग्रता पर बड़ी मुश्किल से कठिनाई से विजय प्राप्त करोगे। योर मेमरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रिक्वेंटली, आपकी याददाश्त जो है निम्न स्तर पर चली जाती है। यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग ऑन योर माइंड बट यू कैन नॉट कैस्ट क्लियर थॉट, आपके दिमाग में ढेर सारे ऐसे विचार हैं जो आपने याद किया है लेकिन आप अस्पष्ट रूप से उन विचारों को सोच नहीं पाते। यू आर ऑफ्टन अनडिसाइड दिस डे एंड थिंग इज अनटाइपिकल फॉर यू, आप इन दिनों में कोई भी निर्णय अनडिसाइड कर लेते हो और किसी भी विषय वस्तु को सही ढंग से आप निर्णय नहीं ले पाते। यू मेक ए लॉन्गर टू टास्क डेट यू वेयर एबल टू कम्प्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर, आप लंबे समय तक उस काम को अधूरे छोड़ देते हो और पूर्ण रूप से आपको याद नहीं होता। यू स्टार्ट लॉट ऑफ थिंग बट कुड नॉट फिनिश एनी, आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें सोचते हो लेकिन किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को फिनिश नहीं कर पाते हैं।